दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चेक किया जाता है कि फेसबुक अकाउंट हैक है या नहीं। अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक है तो उसको किस तरीके से सही करना है मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। देखो, अगर आपको पता करना कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक है या नहीं तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फेसबुक को अपडेट कर लेना। आपका जो फेसबुक है वो लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली ओपन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको छोटा सा आइकन दिख रहा है सेटिंग का, सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है पर्सनल डिटेल का, सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके का ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वेयर यू आर लॉगेड इन का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जितना भी फेसबुक अकाउंट होगा वो सारा का सारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना इस तरीके से। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको 2 डिवाइस देखने को मिल रहा है। एक दिख रहा है सैमसंग गैलेक्सी A03। यहाँ पर मैं जिस डिवाइस में अभी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये हमारा है सैमसंग गैलेक्सी A03 और एक डिवाइस हमें दिख रहा है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। ये हमारा एक दूसरा मोबाइल है, मैंने उस मोबाइल में जो है अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किया तो वो मोबाइल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से आपके फेसबुक अकाउंट को अगर किसी ने लॉगिन कर रखा होगा, हैक कर रखा होगा, तो वो सारा का सारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर लॉगिन ऑन अदर डिवाइस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमें जैसे मान लीजिए इस वाले फेसबुक अकाउंट को बंद करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है लॉग आउट का, सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दोबारा से लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आपका जो डिवाइस है वो लॉग आउट तो हो जाएगा, यहाँ पर आपका वो डिवाइस लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दोबारा से इस तरीके से बैक आना है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आपको दोबारा से क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज पासवर्ड का, सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने फेसबुक का जो पासवर्ड है उसको चेंज कर लेना है। ठीक, यहाँ पर आपको क्या करना है, दोबारा से इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको अपने फेसबुक का जो करंट पासवर्ड है उसको यहाँ पर आपको इंटर करना है। करंट पासवर्ड इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। नया पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में उस नए पासवर्ड को आपको दोबारा से इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। इतना करने के बाद में सिंपली आपको चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपको करंट पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉरगेटन योर पासवर्ड का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पर एक 6 डिजिट का कोड जाएगा, उस कोड को आपको चेक करना है। तो सिंपली आपको इसे क्या करना है, दोबारा से ईमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आपके ईमेल पर जो है एक मैसेज आया होगा, OTP आया होगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे ईमेल पर एक OTP आ चुका है, यहाँ पर हम OTP जो है एंटर कर देते हैं। इस तरीके से आपको जो है OTP को एंटर कर देना है और सिंपली आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एक फेसबुक का जो पासवर्ड है उसको इस तरीके से क्रिएट कर लेना है, जैसे यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद में सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉग मी आउट वाला ऑप्शन, सिंपली आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अगर किसी ने आपके फेसबुक अकाउंट को हैक कर रखा होगा तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। और इतना करने के बाद में किसी के भी डिवाइस में अगर आपका फेसबुक लॉगिन होगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं।